The question is, differentiate the function which is square root of x minus 1 into x minus 2 divided by x minus 3 into x minus 4 into x minus 5. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन आपको दे रखा है वो डाटा है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ द फंक्शन इज x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई डेट इज एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर इंटू एक्स माइनस फाइव की। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि आपको गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो मे बी आप ये सोच रहे हो कि शायद मुझे यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगाना चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं कि पावर में आपके पास 1/2 भी जनरेट होगा। क्वेश्चन रूट लगाने से पहले आपको एक्स पावर एन के फॉर्मेट को अप्लाई करना पड़ेगा। तो मतलब अगर आप वो डायरेक्शन चूज करते हैं तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। वैसे भी ये क्वेश्चन डिजाइन किया गया है कि आप इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करने के लिए लॉगरिथम के कॉन्सेप्ट को यूज करें, क्योंकि एक बार अगर आप लॉगरिथम के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे तो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा। तो मैं फाइनली आपको अभी आपको ये बताने जा रहा हूं कि अगर मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए लॉगरिथम के कॉन्सेप्ट को यूज करूं तो फिर हम लोग इसको डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा और चेंजेस कर लेता हूं। हम लोग इसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू दैट इज x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई दैट इज x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 एंड टोटल रेज टू द पावर 1/2। ठीक है, अब जैसा कि मैं पहले ही आपको क्लियर कर चुका हूं कि मैं इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करने के लिए लॉगरिथम के कॉन्सेप्ट को यूज करने जा रहा हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं इस एक्सप्रेशन का बोथ साइड लॉग लेने जा रहा हूं। अगर मैं गिवन एक्सप्रेशन का बोथ साइड लॉग लेता हूं तो लेफ्ट में मुझे मिलेगा लॉग वाई, लेफ्ट में मुझे मिलेगा लॉग वाई, और राइट साइड को आप लिख सकते हैं लॉग दैट इज एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 एंड टोटल रेज टू द पावर 1/2। ठीक है, अब देखिए आगे मूव करने से पहले मैं यहाँ पे कुछ लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जो कि मैं इसको आगे यूज करूंगा। पहली प्रॉपर्टी लॉगरिथम की जो है वो है लॉग एम रेज टू द पावर एन बेस ए, ये बराबर होता है एन टाइम्स ऑफ लॉग एम बेस ए के। हाँ, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये प्रॉपर्टी आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब लॉग डिफाइन हो। अब लॉग डिफाइन क्या कब होता है ये आपको अलग से स्टडी करना चाहिए। दूसरा, लॉग एम इंटू एन बेस ए को आप स्प्लिट करके लिख सकते हैं लॉग एम बेस ए प्लस लॉग एन बेस ए के, और ऐसा नहीं कि आप इसे केवल दो ही टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे एम इंटू एन इंटू पी लिखा होता तो आप इसे ब्रेक करके लिख पाते लॉग एम बेस ए प्लस लॉग एन बेस ए प्लस लॉग पी बेस ए के। तीसरा जो कॉन्सेप्ट आपको रिक्वायर्ड है वो है रेशियो वाला, दैट इज लॉग ए एम अपॉन एन। आप इसे लिख सकते हैं लॉग एम बेस ए माइनस लॉग एन बेस ए के। देखिए वैसे मैंने यहाँ पे कोई भी बेस यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप इस लॉग के बेस को ई कंसीडर करिएगा। तो मैं अभी एक बार तो लिख ही देता हूं, यहां पे जो हमने लॉग लिया है इसका बेस ई है। चलिए आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये प्रॉपर्टी इस एक्सप्रेशन में अप्लाई करने जा रहा हूं। इससे फायदा ये होगा कि ये जो पावर आपको नजर आ रही है ये आपका फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स अगली स्टेप में आप इसे लिख पाएंगे लॉग वाई इज योर 1/2 लॉग 1/2 लॉग। आप देख सकते हैं कि फंक्शन आपके पास है एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 और एक्स माइनस 5 के। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यह अब आपको समझ में आ रहा होगा। सो इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी आर गोइंग टू डू, लेफ्ट साइड में आपके पास लिखा हुआ है लॉग वाई, राइट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन को आप लिख सकते हैं 1/2 ऑफ लॉग लॉग एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। एक तो ये एक्सप्रेशन आपको मिलेगा, मैंने इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज किया हुआ है विच इज लॉग एम अपॉन एन विच इज इक्वल टू लॉग एम बेस ए माइनस लॉग एन बेस ए। तो फाइनली ये बनेगा माइनस ऑफ लॉग दैट इज एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 और एक्स माइनस
5 थे। चलिए अब इसे और फर्दर सिंप्लीफाई करें, आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे जो डाटा है वो आपको प्रोडक्ट में नजर आ रहा है। एक टर्म आपके पास एक्स माइनस वन है, अगला टर्म एक्स माइनस टू, और यहाँ पे 3 टर्म्स आपके पास प्रोडक्ट में मौजूद है। इन केस आपके पास टर्म्स प्रोडक्ट में मौजूद है तो आप इसको एडिशन में ब्रेक कर सकते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आगे वाला स्टेप भी आपको क्लियर हो ही जाएगा, विच इज लॉग वाई इज इक्वल टू, आप इसे लिखेंगे 1/2 ऑफ, लॉग ऑफ एक्स माइनस वन की बात करें तो ये बनेगा लॉग ऑफ एक्स माइनस वन, अगला टर्म हमें मिलेगा लॉग ऑफ एक्स माइनस टू। इसके बाद क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैं अगर इसको ओपन करता हूं तो एक टर्म मिलेगा लॉग ऑफ एक्स माइनस थ्री, अगला टर्म लॉग ऑफ एक्स माइनस फोर, उससे अगला टर्म लॉग ऑफ एक्स माइनस फाइव, लेकिन क्योंकि बाहर एक माइनस है तो वो हर टर्म को नेगेटिव में कन्वर्ट कर देगा। इट मीन्स आपको अगला टर्म मिलेगा लॉग ऑफ एक्स माइनस थ्री माइनस लॉग ऑफ एक्स माइनस फोर माइनस लॉग ऑफ एक्स माइनस फाइव और ब्रैकेट क्लोज्ड। अब आप देख सकते हैं कि इनकेस अब अगर मैं इस स्टेप पे इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना शुरू करूं तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा कंफर्टेबल बनने जा रहा है। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो जैसा कि आप जानते हैं कि लॉग वाई को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो सबसे पहले मुझे मिलेगा 1/y, और फिर वाई को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो डेट विल बिकम dy ओवर dx। मीन्स लॉग वाई को अगर आप एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको मिलता है 1/y इंटू dy ओवर dx। तो ये तो आपका लेफ्ट हैंड वाला पार्ट है। राइट साइड में अगर आप चेक करें तो 1/2, ये आपके पास कॉन्स्टेंट डाटा है, आप इसे अभी ब्रैकेट साइन से बाहर ही रखिए। अब बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स माइनस वन की। तो लॉग ऑफ एक्स माइनस वन को अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव आपको मिलेगा 1/(x-1)। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/(x), पर क्योंकि यहाँ साथ में एक और फंक्शन एक्स माइनस वन भी है तो चेन रूल आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ कि मैं क्या बता रहा हूँ। मान के चलो मेरे पास एक फंक्शन है y इज योर एल एन जी एक्स, है ना, यहाँ पे x ना होके एक अनदर फंक्शन जी एक्स है, और इनकेस अगर आप इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका dy ओवर dx आपको मिलेगा। सबसे पहले तो एल एन जी एक्स को आप लिखेंगे 1/(gx), और फिर आपको जी एक्स को भी डिफरेंशिएट करना पड़ता है वाइल यूजिंग चेन रूल, तो इंटू आपको मिलेगा जी डैश एक्स, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट अगर मैं यूज करूं तो आप देख सकते हैं कि वाई इज इक्वल टू एल एन एक्स माइनस वन को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो इसका dy dx मुझे मिलेगा 1/(x-1), और फिर एक्स माइनस वन का डेरेटिव तो 1-0 में कन्वर्ट होगा, दैट इज एक्स का डेरेटिव 1 और 1 का डेरेटिव 0। तो बेसिकली आप इसे केवल 1/(x-1) केवल लिख सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो देखिए सेम कॉन्सेप्ट को यूज करके जैसे फर्स्ट टर्म 1/(x-1) बना है, अगले टर्म को आप लिख पाएंगे 1/(x-2), उससे नेक्स्ट टर्म हमें मिलेगा 1/(x-3), अगला टर्म हमें मिलेगा 1/(x-4), और उससे अगला टर्म हमें मिलने जा रहा है 1/(x-5) के। तो मैं एक्सपेक्ट करूं कि लाइन अब आपको क्लियर होगी। चलिए आगे बात करें। सो इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग इसे लिखने जा रहे हैं dy ओवर dx। dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये जो y आपको नजर आ रहा है ना आप इसे राइट साइड में शिफ्ट कर लीजिए, तो ये बनेगा y/2, और ब्रैकेट के डाटा को अगर आप चेक करें तो आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट में आपके पास डाटा है 1/(x-1), 1/(x-2) माइनस 1/(x-3) माइनस 1/(x-4), आप चाहें तो इन सब पे ब्रैकेट भी अप्लाई कर सकते हैं जैसे कंफ्यूजन ना हो आपको, और -1/(x-5) के। अब आप चाहे तो फाइनली ये जो y है इसके डाटा को रिप्लेस कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि y आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ दैट फंक्शन। तो फाइनली आपको जो आंसर है वो मिलेगा, योर फाइनल आंसर इज, आप देख सकते हैं कि जो फाइनली आपको आंसर मिलेगा आप इसे लिख पाएंगे dy ओवर dx, dy ओवर dx इज इक्वल टू 1/2, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y। y आपके पास क्या था, y था x-1 इंटू x-2 ओवर x-3 इंटू x-4 इंटू x-5 का स्क्वायर रूट, और इंटू ये जो ब्रैकेट का डाटा है ये आपको एज सच नोट करना होगा, दैट इज 1/(x-1) प्लस 1/(x-2) माइनस 1/(x-3) माइनस 1/(x-4) माइनस 1/(x-5) के। एंड फाइनली दिस इज द आंसर फॉर द गिविंग क्वेश्चन।